नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं हमारा हिंदी यूट्यूब चैनल हिटसन। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, इसमें प्लम्बर ट्रेड के छात्रों के लिए 2015 का एक क्वेश्चन पेपर लेकर के आए हैं। और ये जो हमारा क्वेश्चन पेपर, ये जो हमारा वीडियो है, ये प्लम्बर ट्रेड के छात्रों के लिए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की सीरीज है उसका अब तक का दूसरा वीडियो है। इससे पहले हम जो है 2014 का एक क्वेश्चन पेपर सोल्व कर चुके हैं। इससे पहले अगर आपने उस पेपर को नहीं देखा है तो जो आप प्लम्बर ट्रेड के छात्रों के लिए जो प्लम्बर थ्योरी की प्लेलिस्ट है हमारे यूट्यूब चैनल पर, वहां पर जाकर के आप उस क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि इस पेपर में आपसे किस तरह के सवाल पूछे गए थे। तो सबसे पहला प्रश्न है, रैखिक मापन के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, रैखिक, यानी कि किसी भी रेखा को मापने के लिए हम फूटे का यूज करते हैं। तो फूटा को जो है सही भाषा में, सही हिंदी भाषा में स्टील रूल कहते हैं। ठीक है, तो पहले प्रश्न का जो ऑप्शन सी है यहां पर आपका सही है। दूसरा प्रश्न है, वेव सेट शब्द है तो वेव सेट जो है किस प्रकार का शब्द है, कहां पर यूज किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, वेव सेट शब्द जो है हेक्सा को सेट करने का एक शब्द होता है। वेव सेट का मतलब होता है हेक्सा को सेट करना। तो दूसरे प्रश्न का जो ऑप्शन डी है यहां पर आपका सही है। तीसरा प्रश्न है, वाइस का प्रयोग किया जाता है तो वाइस का प्रयोग जो है किसी भी जॉब को पकड़ने के लिए किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, वर्क पीस को पकड़ने के लिए वाइस का प्रयोग किया जाता है। चौथा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्ट्राइकिंग यंत्र है? तो जो आपका हैमर होता है वो एक स्ट्राइकिंग यंत्र होता है। स्ट्राइकिंग यानी कि उसके माध्यम से हम किसी भी चीज पर चोट करते हैं। तो इनमें से कौन सा एक यंत्र है जिसके माध्यम से हम जो किसी जॉब पर चोट करते हैं, यानी कि चोट करने वाला हथियार कौन सा है? तो चौथे प्रश्न का ऑप्शन ए आपका सही है। पांचवा प्रश्न है, स्क्राइबर का प्रयोग किया जाता है तो स्क्राइबर क्या है? स्क्राइबर एक तरह का जो है पेंसिल की तरह एक मेटल का टुकड़ा होता है जिसका इस्तेमाल मार्किंग के लिए किया जाता है। तो पांचवें प्रश्न का जो ऑप्शन बी है यहां पर आपका सही है। छठा प्रश्न है, सैंक पार्ट है तो सैंक किसका पार्ट है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, सैंक जो है ड्रिल का पार्ट है, क्योंकि जो आपकी ड्रिल बिट होती है, ठीक है, जिसके माध्यम से हम सुराख करते हैं, तो ड्रिल के आगे जो बिट, जो मेटल का एक टुकड़ा होता है जिससे जो अलग अलग साइज में आपको मिलता है, उसका जो है एक हिस्सा होता है सैंक। तो छठे प्रश्न का ऑप्शन बी आपका सही है, सैंक जो है ड्रिल बिट का पार्ट है। सातवां प्रश्न है, बिबको स्पिंडल वॉशर बना होता है, यानी कि जो आपका बिबको होता है, जो प्लास्टिक की टोंटी होती है उसके अंदर एक वॉशर होती है, वो किस चीज की बनी होती है? तो वो जो वॉशर होती है वो नायलॉन की बनी होती है, क्योंकि नायलॉन जो है एक नरम प्लास्टिक होता है लेकिन मजबूत होता है। ठीक है, तो सातवें प्रश्न का ऑप्शन जो सी है यहाँ पर आपका सही है। आठवां प्रश्न है, टैप का प्रयोग किया जाता है तो टैप, आप सब जानते हैं टैप जो है तीन तरह के होते हैं, इसके तीन पार्ट होते हैं, तीन सेट होते हैं मतलब टैप के, और टैप का इस्तेमाल जो है आंतरिक चूड़ियां काटने के लिए किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, ठीक है, चूड़ी काटने के लिए, ठीक है, आंतरिक चूड़ी काटने के लिए हम जो है टैप का यूज करते हैं। नौवां प्रश्न है, इनमें से कौन सा यंत्र मैसनरी में लंब रूपता निर्धारित करता है? यानी कि जो राजमिस्त्री होता है, जो घर बनाने का काम करता है जो मिस्त्री, ठीक है, वो जो क्या करता है, वो लंब रूपता यानी कि वर्टिकल सीधाई को चेक करने के लिए कौन से टूल का यूज करता है? तो आपने देखा होगा जब भी जो राजमिस्त्री किसी दीवार की चिनाई करता है तो एक टूल वो अपने साथ रखता है, आपने देखा एक लट्टू होता है, जो बच्चे लट्टू घुमाते हैं इस तरह का एक टूल होता है, उसे प्लम्बाब कहते हैं। ठीक है, वैसे तो सामान्य भाषा में उसको सोहल बोलते हैं, सोहेल, ठीक है, तो लेकिन शुद्ध हिंदी भाषा में उसे प्लम्बाब बोलते हैं। तो वर्टिकल लंब रूपता निर्धारित करने के लिए वो प्लम्बाब का यूज करते हैं। तो नौवें प्रश्न का ऑप्शन ए आपका सही है। दसवां प्रश्न है, पाइप को विनिर्दिष्ट किया जाता है तो पाइप को जो है किस प्रकार से जो चुना जाता है? तो दसवें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए, पाइप को जो उसके साइज के अनुसार, उसकी ग्रेड के, उसकी क्वालिटी के अनुसार उसको निर्धारित किया जाता है। तो दसवें प्रश्न का ऑप्शन ए आपका सही है। ग्यारहवां प्रश्न है, पाइप काटने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो पाइप काटने के लिए हम क्या करते हैं, पाइप कटर का भी यूज कर सकते हैं, आरी का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्यारहवें प्रश्न का ऑप्शन ए आपका सही है, पाइप काटने के लिए हम पाइप कटर का यूज करते हैं। बारहवां प्रश्न है, लोह धातु एक मिश्र धातु, यानी कि जो आपका लोहा होता है वो किस प्रकार की धातु का एक मिश्रण होता है? ठीक है, तो बारहवें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, लोहे और कार्बन का मिश्रण, क्योंकि लोहे के अंदर जो है कार्बन पाया जाता है, तो लोहा और कार्बन का मिश्रण करके जो आपकी लोह धातु होती है। तो बारहवें प्रश्न का जो ऑप्शन डी है यहाँ पर आपका सही है। तेरहवां प्रश्न है, लकड़ी में ग्रेन के साथ खांचे की मार्किंग में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, उसके लिए हम प्लो प्लेन का यूज करते हैं। प्लो प्लो का प्लो जो शब्द है PLOUGH, ये इंग्लिश में लिखा गया है लेकिन प्लो का हिंदी में मतलब होता है हल। खेत में जो हल चलाते हैं, जो किसान देखा हुआ, जो बैलों के माध्यम से जो हल चलाया जाता है खेत में, उसे प्लो कहते हैं इंग्लिश में। और इसी प्रकार का एक प्लेन होता है, यानी कि एक रंदा होता है,
ठीक है, प्लेन का मतलब होता है रंदा। तो प्लो प्लेन के माध्यम से जो है हम जो ग्रेन के साथ खांचे की मार्किंग में इसका यूज करते हैं। तो 13वें प्रश्न का ऑप्शन बी आपका सही है। अगला प्रश्न है, कीले निकालने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो कीले निकालने के लिए वैसे तो हम जमूर का यूज करते हैं, लेकिन जो आपका एक तरह का एक हैमर, एक हथौड़ा भी होता है, जिसके एक तरफ हैमर जैसा चेहरा होता है और दूसरी तरफ जमूर की तरह चेहरा होता है, उसे हम क्लो हैमर कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। 15वां प्रश्न है, सी क्लैंप का प्रयोग किया जाता है। तो सी क्लैंप का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, से जो आपके सी क्लैंप होती है उसे जॉब को पकड़ने के लिए हम यूज करते हैं। तो 15वें प्रश्न का ऑप्शन बी आपका सही है। ये जो है बेंच वाइस की तरह ही होता है, बट इसकी जो शक्ल है वो सी की तरह बनी होती है। 16वां प्रश्न है, सामान्य सीमेंट को डैश सीमेंट भी कहते हैं। तो सामान्य जो हम सीमेंट यूज करते हैं अपने घरों में, उसका दूसरा नाम क्या है? उसे हम पोर्टलैंड सीमेंट भी कहते हैं। तो 16वें प्रश्न का जो ऑप्शन ए है यहां पर आपका सही है। 17वां प्रश्न है, लकड़ी की वर्क पीस में साफ काट के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया, यानी कि बिल्कुल सफाई से लकड़ी के पीस को काटने के लिए हम किसका यूज करते हैं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, उसके लिए हम टेनन सा, यानी कि टेनन प्रकार की आरी का यूज करते हैं। 18वां प्रश्न है, धातु की मोटी प्लेट की वेल्डिंग के लिए कौन सी प्रक्रिया बेहतर रहती है, यानी कि मोटे मेटल को यूज जोड़ने के लिए, मोटे धातु की वेल्डिंग के लिए हम किस प्रकार की वेल्डिंग का यूज करेंगे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, उसके लिए हम सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग का यूज करेंगे। मर्ज का मतलब उनको जोड़ना, ठीक है। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग बेलनाकार वर्कपीसों पर बाहरी चूड़ी काटने के लिए किया जाता है? तो बाहरी चूड़ी काटने के लिए किसका यूज करते हैं हम पाइप पर? उसके लिए हम पाइप डाई का यूज करते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, उसके लिए हम थ्रेडिंग डाई का यूज करते हैं, यानी कि डाई भी आपकी अलग अलग तरह की, जैसे आपकी रेचेट पाइप डाई है, ठीक है, इसी तरह से आपकी जो है नट नट की तरह होती है, जिसे हम थ्रेडिंग डाई बोलते हैं, ठीक है। तो वो नट के रूप में दो टुकड़े होते हैं, जिसको पाइप के दोनों तरफ लगा करके जो है टाइट करके घुमाया जाता है, जिससे पाइप पर चूड़ियां काटी जा सकती है। 20वां प्रश्न है, इलेक्ट्रोड होल्डर का आकार नियत किया जाता है, यानी कि वेल्डिंग करते समय जो आप हाथ में जो यू पकड़ते हो वेल्डिंग की जो रोड होती है, उसका आकार किस प्रकार से जो है सेट किया जाता है, कैसे उसको चूज किया जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, धारा प्रवाह क्षमता, यानी कि इलेक्ट्रिक की जो कैपेसिटी है वो कितनी है उसके अनुसार उसका चुनाव किया जाता है। तो 20वें प्रश्न का जो ऑप्शन डी है यहाँ पर आपका सही है। 21वां प्रश्न है, ओवरहेड वेल्डिंग के लिए इलेक्ट्रोड पर किस प्रकार की फ्लक्स कोटिंग सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो इसने कहा है कि जब भी हम किसी मेटल पार्ट की वेल्डिंग करते हैं, तो वेल्डिंग करने से पहले उस पर जो फ्लक्स लगाते हैं, फ्लक्स का यूज करने से वो मेटल पार्ट जो अच्छे से साफ हो जाता है। तो ओवरहेड वेल्डिंग करते समय धातु पर किस प्रकार की कोटिंग करना सही रहता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, ठीक है, ओवरहेड वेल्डिंग करते समय इलेक्ट्रोड पर सेल्यूलोज की कोटिंग करना सबसे उपयुक्त रहता है। तो 21वें प्रश्न का ऑप्शन डी आपका सही है। 22वां प्रश्न है, मोर्टार का प्रयोग किया जाता है। मोर्टार क्या होता है? जो बजरी का जो मसाला हम तैयार करते हैं, ठीक है, उसे हम जो मोर्टार कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, स्टोन की बाइंडिंग के लिए, यानी कि जो बजरी होती है, बजरी पत्थर से बनती है, और पत्थर को इंग्लिश में कहते हैं स्टोन, स्टोन का मतलब होता है पत्थर। तो स्टोन की बाइंडिंग के लिए, बजरी को एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए जो है हम मोर्टार का यूज करते हैं, यानी कि कंक्रीट का जो मसाला होता है उसे हम मोर्टार कहते हैं। तो 22वें प्रश्न का जो ऑप्शन डी है यहां पर आपका सही है। 23वां प्रश्न है, क्रॉस फिटिंग को डैश फिटिंग के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि पाइप फिटिंग में एक फिटिंग होती है क्रॉस फिटिंग। क्रॉस का मतलब होता है कि वो एक ऐसी फिटिंग होती है, यानी कि एक ऐसी एल्बो की तरह एक ऐसा फिटिंग होती है, जिसके माध्यम से हम जो चारों तरफ से पाइपों को जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो जो क्रॉस फिटिंग होती है वो चार तरफ फिटिंग होती है, क्योंकि उसके चारों तरफ जो है मुंह होते हैं और चारों तरफ से हम पाइपों को जोड़ सकते हैं। तो 23वें प्रश्न का ऑप्शन ए आपका सही है। 24वां प्रश्न है, ट्रोवल का अनुप्रयोग है। ट्रोवल क्या होती है? ट्रोवल जो मिस्त्री जो करनी यूज करता है, जिसके माध्यम से वो मसाले को उठाता है और ईंटों पर रखता है, तो वो जो टूल हाथों के माध्यम से यूज करता है उसे करनी कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो ब्रिक लेइंग, इनके ब्रिक का मतलब होता है ईंट, ईंटों के ऊपर लेयर बनाने के लिए जो है वो उसका यूज करता है ट्रोवल का, ठीक है। तो 24वें प्रश्न का ऑप्शन बी आपका सही है, ईंटों के ऊपर लेयर बनाने के लिए मसाले की जो है ब्रिक लेइंग के लिए जो है ट्रोवल का यूज किया जाता है। 25वां प्रश्न है, क्रॉस कट सो का प्रयोग किया जाता है, यानी कि क्रॉस कट जो आरी होती है उसका यूज कहाँ पर होता है? तो उसका इस्तेमाल कठोर लकड़ी को काटने के लिए किया जाता है। तो 25वें प्रश्न का ऑप्शन बी आपका
सही है। 26वां प्रश्न है, जल डैश का बना हुआ होता है, तो आप सब जानते हैं पानी का जो रासायनिक सूत्र है वो होता है H2O। तो पानी किस चीज से मिलकर बनता है? पानी आपका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों से मिलकर बनता है। तो 26वें प्रश्न का ऑप्शन ए आपका सही है। 27वां प्रश्न है, रिवर्स ऑस्मोसिस एक डैश प्रक्रिया है, तो रिवर्स ऑस्मोसिस किस प्रकार की प्रक्रिया है? ये जल को शुद्ध करने की एक प्रक्रिया है। तो 27वें प्रश्न का ऑप्शन ए आपका सही है, ये जल शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। 28वां प्रश्न है, सीमेंट की आधार सामग्री है, तो सीमेंट की आधार सामग्री यानी कि सीमेंट में सबसे जरूरी चीज कौन सी होती है? वो होती है चूना। तो 28वां प्रश्न का ऑप्शन बी आपका सही है। 29वां प्रश्न है, डाई सेट का उद्देश्य है, तो डाई आपने देखा होगा पाइप के ऊपर चूड़ियां काटने के लिए हम जो है डाई का यूज करते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, बाह्य चूड़ी काटना, बाहरी चूड़ियां काटने के लिए हम डाई का यूज करते हैं। 30वां प्रश्न है, जल वितरण प्रणाली पुराने शहरों के लिए उपयुक्त है जिनमें सड़कों का कोई निश्चित पैटर्न नहीं है, यानी कि जो आपने देखा होगा जो गांवों में जो पाइपलाइन बिछाई जाती है पानी के प्रोवाइड करने के लिए सुविधा, वो किस प्रकार की जो है सुविधा होती है? उसे हम ट्री सुविधा बोलते हैं या फिर उसे हम डेड एंड सिस्टम भी बोल सकते हैं। तो 30वें प्रश्न का जो ऑप्शन ए आपका सही है, वो कौन सी प्रणाली? वो आपकी ट्री प्रणाली। ट्री यानी कि पेड़, आपने देखा हो पेड़ की टहनियां जो है एक टहनी से दूसरी, दूसरी से तीसरी, इस तरह से टहनियां निकलती रहती है। तो ट्री मेथड का यूज करके हम जो है किसी भी शहर में, किसी भी गांव में, किसी भी कस्बे में जो है पाइपलाइन को बिछा सकते हैं जहां पर जो है सड़कों का सही पैटर्न नहीं होता है, यानी कि वहां पर जो है नई नई सड़कें बनती रहती है, फिर नए नए मकान बन रहे होते हैं, तो वहां पर जो हम ट्री मेथड का या फिर डेड एंड सिस्टम का यूज करते हैं। तो 30वें प्रश्न का ऑप्शन ए आपका सही है। 31वां प्रश्न है, पाइपलाइन में टी का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो टी का प्रयोग जो है किसी भी पाइपलाइन से ब्रांच निकालने के लिए हम करते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, शाखा लेने के लिए, यानी कि किसी भी पाइपलाइन से कनेक्शन लेने के लिए हम जो है टी जो आपकी फिटिंग होती है उसका यूज करते हैं। तो 31वें प्रश्न का ऑप्शन डी आपका सही है। 32वां प्रश्न है, सिंगल स्टेक सिस्टम में पाइपलाइन की संख्या होती है, तो सिंगल स्टेक सिस्टम में पाइपलाइन की संख्या होती है एक, यानी कि एक ही पाइप के माध्यम से जो है WC का वेस्ट भी जाएगा और आपके किचन का, बाथरूम का और पूरे घर का पानी भी उसी एक ही पाइप से जाता है, तो उसे सिंगल स्टेक सिस्टम कहते हैं। तो 32वें प्रश्न का ऑप्शन ए आपका सही है। 33वां प्रश्न है, वर्षा जल संभरण का तात्पर्य होता है, यानी कि वर्षा का जो पानी होता है उसको स्टोर करना, उसको बचत करना किस लिए जो है इसका यूज कर सकते हैं? तो इसका इस्तेमाल करके जो हम कुओं को रिचार्ज कर सके, यानी कि जो कुएं होते हैं उनके अंदर जब हम, उनके अंदर जब पानी की कमी होती है उसको वापस पूरा करने के लिए, वापस से भरने के लिए हम जो है वर्षा जल संभरण तकनीक का यूज करते हैं। तो 33वें प्रश्न का जो ऑप्शन बी है यहाँ पर आपका सही है। 34वां प्रश्न है, GI पाइप पर कोटिंग की जाती है, GI का मतलब होता है गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप, उस पर कोटिंग क्यों की जाती है? ताकि उसको जंग लगने से बचाया जा सके, और उस पर हम जो है गैल्वेनीकृत लोहे की कोटिंग करते हैं। तो 34वें प्रश्न का ऑप्शन सी आपका सही है। 35वां प्रश्न है, किसी पंप में फंसी हुई हवा को निकाल कर उसको पूर्ण जल से भरने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आपने यहाँ जो आपके घर में जो मोटर होती है जब उसके अंदर हवा हो जाती है, पानी वो नहीं उठाती है, तो उससे उस समय उसकी हवा को निकालने का जो प्रोसेस होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम प्राइमिंग कहते हैं। तो 35वें प्रश्न का ऑप्शन ए आपका सही है। 36वां प्रश्न है, टैप का भाग है, तो जो आपका टैप होता है जिसके माध्यम से आप इंटरनल चूड़ियां काटते हैं उसका कौन सा भाग होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, टैप को पकड़ने के लिए जिस टूल का हम यूज करते हैं उसे स्पिंडल कहते हैं। तो 36वें प्रश्न का जो ऑप्शन ए है यहाँ पर आपका सही है। 37वां प्रश्न है, इनमें से क्या मुख्यतः आगजनी की स्थिति में वाटर पाइप में प्रदत्त आउटलेट है, यानी कि आगजनी कहीं पर कोई दुर्घटना हो जाती है, कहीं पर आग लग जाती है, तो उस समय पानी को लेने के लिए हम किस आउटलेट का यूज करते हैं? उसके लिए हम जो फायर हाइड्रेंट का यूज करते हैं। तो 37वें प्रश्न का ऑप्शन ए आपका सही है। 38वां प्रश्न है, पाइप वाइस में कितने जबड़े होते हैं, यानी कि पाइप वाइस जिसके माध्यम से हम पाइप को पकड़ते हैं, या फिर पाइप वाइस हो, बेंच वाइस हो, या पिन वाइस हो, तो कोई भी वाइस होता है उसमें जो आपके दो जबड़े होते हैं। तो 38वें प्रश्न का ऑप्शन ए आपका सही है। 39वां प्रश्न है, पोस्ट हाइड्रेंट जमीनी सतह से डैश ऊपर होता है, यानी कि जो आपका पोस्ट हाइड्रेंट होता है वो जमीन से कितनी ऊंचाई पर लगाया जाता है? तो 39वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, 60 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर तक ऊंचाई पर हम उसको लगा सकते हैं जमीन से। 40वां प्रश्न है, पाइप को टाइट करने या ढीला करने में प्रयुक्त टूल होता है, तो पाइप को कसने के लिए या फिर खोलने के लिए हम किसका यूज करते हैं? उसके लिए हम पाइप रेंच का यूज करते हैं। तो 40वें प्रश्न का ऑप्शन डी आपका सही है। 41वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पाइप आपके घर को वाटर बोर्ड के मुख्य आपूर्ति से जोड़ता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो आपका सर्विस पाइप होता है वो आपके घर को वाटर बोर्ड के मुख्य आपूर्ति से जोड़ता है, यानी कि जो आप
आपके आपने आपके गली में आपके घर के आसपास जो पाइपलाइन बिछी होती है जिसमें से आप पानी का कनेक्शन लेते हैं, उस पाइपलाइन को हम जो है सर्विस पाइप कहते हैं। 42वां प्रश्न है, जब कोई सीवर लाइन किसी सड़क अथवा ड्रेन को क्रॉस करती है तब उसे डैश से होकर गुजारना चाहिए, यानी कि जब भी कोई सीवर की पाइपलाइन होती है जब उसको सड़क के नीचे से गुजारते हैं ठीक है, तो उस समय उसके लिए किस पाइप का यूज करेंगे, उसके लिए आरसीसी पाइप का यूज करते हैं। तो 42वें प्रश्न का जो ऑप्शन ए आपका सही। आपने देखा होगा शहरों में जो है सीमेंट के बहुत बड़े बड़े पाइप होते हैं, वो आपके आरसीसी के पाइप होते हैं। 43वां प्रश्न है, पानी के ट्रीटमेंट की वह पद्धति जिसमें घना आपत्तिजनक तत्व बेसिन के तल में जमा हो जाता है ताकि आसानी से पृथक्करण किया जा सके, यानी कि पानी को साफ करने का वो तरीका है जिसमें जो मिट्टी के जो तत्व होते हैं पानी की गहराई में नीचे बैठ जाते हैं, वो कौन सा प्रोसेस होता है, उसे हम अवसादन कहते हैं। तो 43वें प्रश्न का ऑप्शन बी आपका सही है। 44वां प्रश्न है, व्यक्तिगत सुरक्षा से अभिप्राय होता है, व्यक्तिगत सुरक्षा का मतलब होता है पूरे शरीर की सुरक्षा, तो 44वें प्रश्न का जो ऑप्शन डी है यहां पर आपका सही है। 45वां प्रश्न है, ट्रैप का प्रयोग किसके प्रवाह को रोकने के लिए किया जाता है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो आपके ट्रैप होते हैं उनका इस्तेमाल हम सीवर गैसों को घरों में आने से रोकने के लिए करते हैं, तो 45वें प्रश्न का ऑप्शन सी आपका सही है। 46वां प्रश्न है, स्टील रूल बनाया जाता है, स्टील रूल यानी कि जो आपका स्टील का फुटा होता है वो किस धातु का बनाया जाता है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, स्टील रूल स्टेनलेस स्टील का बना होता है। 47वां प्रश्न है, पीवीसी पाइप का प्रयोग नहीं होता है, तो पीवीसी पाइप का प्रयोग कहाँ पर नहीं किया जाता है, तो ठंडे पानी में यूज कर सकते हैं, ड्रेन वाटर में यूज कर सकते हैं, लेकिन गर्म पानी में हम उसका यूज नहीं कर सकते हैं। अगर गर्म पानी में हम पीवीसी पाइपों का यूज करेंगे तो पीवीसी पाइपों के जो जोड़ होते हैं वो लीक हो जाते हैं, वो ढीले हो जाते हैं, वो खुल जाते हैं, तो पाइपलाइन के लीकेज होने की संभावना बन जाती है, इसीलिए गर्म पानी में हम पीवीसी पाइप का यूज नहीं करते हैं, तो 47वें प्रश्न का ऑप्शन सी आपका सही है। 48 प्रश्न है, जेनी कैलिपर का दूसरा नाम क्या है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, जेनी कैलिपर को हम ऑड लैग कैलिपर भी कहते हैं, तो 48वें प्रश्न का ऑप्शन बी आपका सही है। 49वां प्रश्न है, रिंच का अनुप्रयोग है, रिंच यानी कि जो आपका पाइप रिंच होता है उसका हम क्या यूज करते हैं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, पाइप को टाइट करना और ढीला करना, पाइप को खोलने और बंद करने के लिए हम पाइप रिंच का यूज करते हैं। 50वां प्रश्न है, ट्राई स्क्वायर का दूसरा नाम क्या होता है, तो ट्राई स्क्वायर का इस्तेमाल जो हम 90 डिग्री के कोण को चेक करने के लिए करते हैं, तो और इसका दूसरा नाम होता है गुणिया, जो कि ऑप्शन सी यहां पर आपका सही है। तो ये हो गए हमारे आज के सभी प्रश्न कंप्लीट। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो, तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।